कि कुछ लोग लगे हुए हैं समाज में असंतोष पैदा करने के लिए, आ कुछ लोग लगे हुए हैं समाज में झगड़ा करने के लिए, बीच में कोई इधर उधर करना चाहता है तो सचेत रहिएगा और कोई इधर उधर मत होने दीजिएगा। प्रेम का और भाईचारे का भाव कायम रखिएगा। आप जो सोच लीजिए जिस तरह से काम कितना ज्यादा करवाए तो सब तरह से अब कैसा रास्ता बन गया, देख रहे हैं आप लोग, बगले में आपका है तो किस तरह से सब एक तरह से बनवा रहे हैं। तो हर तरह से हम लोग जो सुविधा दे रहे हैं लोगों को, तो इसीलिए जरा मेरी इतनी बात मान लीजिए। अब आप लोग भी देख लीजिए, यहीं पर खड़ा होकर के कह रहे हैं मान लिए, तो इसमें कहा आप न बोलिए सर है? हो जाएगा ना, तो तेजी से हो जाएगा। आप बीच में हम एक बार जो इस बार जो बाढ़ ताड़ की स्थिति आएगी ना, तभी हम तो झप जगह देवे करते हैं, फिर आवेंगे देखने के लिए कि क्या हुआ। तेजी से करवा दिए ताकि अगली बार से इस तरह का कोई संकट किन्हीं को सामना नहीं करना पड़े और बहुत ढंग से रहे, यही कहना है। और यही हम आप लोगों के बीच में आए थे। आज इतना काम हो रहा है, अब पूरा गर्मी के दौरान में अब जब पत्रकार लोग बेचारे हैं, अरे कुछ तो हम डीएम को कहा कि कुछ कर देते इन लोगों के लिए भी बेचारे को, ऊपर से ये अच्छा लग रहा है। हम लोग इतना दूर बैठे हुए हैं तो हम लोग तो बैठे हुए हैं तब भी हम लोगों को तो लग ही ना रहा है जी। अब आप लोग जो हैं, मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, सब लोग आकर के भी इस धूप का भी सामना कर रहे हैं। हमारा तो आदत न है जी, चाहे कोई भी चीज हो, आप लोगों को शायद याद नहीं है, हम 4 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक हम घूमते रहे हैं। हमको कोई चिंता नहीं है, हम तो अपना घूमते रहते हैं, लेकिन बाकी लोगों को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। लेकिन आपने इसकी शुरुआत करा दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मुझको खुशी है। और जो मैंने कह दिया तेजी से काम करवा दीजिए तो मुझको बड़ी खुशी होगी, सब लोगों को इससे राहत मिलेगी और बहुत तरह का लोगों को दुख नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने इस कार्यक्रम का शुरुआत किया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और आप सब लोग भी इतनी संख्या में यहां उपस्थित हैं, आप सब लोगों को उम्मीद है कि तेजी से हो जाएगा और सब कुछ होगा। और दूसरी बात, डीएम साहब कहां गए? डीएम साहब जरा एक बार इस सब लोगों के बीच में चले जाइए, कहीं कोई समस्या भी रहे लोगों का तो उस सब का भी सुन लीजिएगा, कोई का समस्या कोई तरह का हो सब लोगों का सुन लीजिएगा। अभी तो हम यात्रा में जाके सबका सुनिए लिए, लेकिन फिर भी अगर कहीं है कोई तरह का बात हो तो लगा दीजिए, सब लोगों का लोग भी बात सुन लेगा, अच्छा रहेगा। सब लोगों के समाधान के लिए प्रयास करिएगा। और आप जानते ही मेरे साथ आए कौन है, आप देख रहे हैं दीपक बाबू आए हुए, तो दीपक बाबू आए हुए चीफ सेक्रेटरी थे, अब हमारे ये हैं अब प्रधान सचिव हैं मुख्यमंत्री के, तो इन्हीं का काम है सब चीज को देखना। तो कोई समस्या हो तुरंत खबर कर दीजिएगा, या और कोई बात रहेगा तो इन सब चीजों को देखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और एक बात मैं खाली आप लोगों को कहूंगा कि कुछ लोग लगे हुए हैं समाज में असंतोष पैदा करने के लिए, आ कुछ लोग लगे हुए हैं समाज में झगड़ा करने के लिए, तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे। और आप लोग शुरू से बहुत अच्छे ढंग से काम करते रहे, बीच में कोई इधर उधर करना चाहता है तो सचेत रहिएगा और कोई इधर उधर मत होने दीजिएगा। प्रेम का और भाईचारे का भाव कायम रखिएगा, यही हमको आप सबसे निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।